अरे बाबा, कोई कुछ बताएगा हमको कि क्या हो रहा है इधर? हमको आवाज आ रही है उधर से कुकी। अरे इतनी बारिश में कौन सी आवाज आ रही तुमको? दे मतलब क्या आवाज है, चलो घर के भीतर। अरे बाबा, अरे चलो अभी बाबा। हम अकेले हैं, कोई हमारे साथ नहीं है, पर तुम तो हो ना, तुम तो कुछ करो ना बोले बाबा। अरे हाथ छोड़िए हमारा, यहाँ पर तो बरसात नहीं हो रहा है ना बाबा। चलो भीतर चलो, अंदर जाओ, बरसात में बह तो नहीं गई। अभी तक देव। जिस जहरीले उद्देश्य से तुम ये सब कर रहे हो ना देव, तुम्हें उसमें सफलता नहीं मिलने वाली। उद्देश्य मतलब? इस लड़की को इतना सताओ, इतनी यातना दो, जिंदगी दो भर कर दो इसकी, ताकि ये लड़की खुद ब खुद भाग खड़ी हो। यही उद्देश्य है ना तुम्हारा, पर तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी देव। देखो उस लड़की को, देखो कैसे आंधी तूफान में डटी खड़ी, मन में फौलाद है, महादेव के प्रति अटूट आस्था है उसकी। शक्ल देखो उसकी, थोड़ी थकान जरूर दिखेगी, लेकिन ना उम्मीदी और हार की शिकन तक नहीं उसके चेहरे पर। इस बार हरा नहीं पाओगे देव तुम उसको। प्रकृति की मार के आगे तो हार मान लेगी। पानी में रेत की इमारत खड़ी की है किसी ने आज तक। प्रभु की कृपा हो ना तो रेत से भी सेतु बन जाता है सागर में। तुमको पता है तुम ही बारिश काहे कर रहे हो, कि हमारा हिम्मत ना टूटे ना, हौसला ना छूटे, हम डटे रहे, हम मजबूती से बने रहे। तुम्हारा सब आशीर्वाद मंजूर है हमको, बस एक बात का ध्यान रखना, भूख की हार नहीं होनी चाहिए। बड़ी बहन होने के नाते एक सुझाव भी दे रहे हैं और एक चेतावनी भी। अगर कुछ सीख सकते हो ना उस लड़की से सीखो। देखो कैसे डटकर हर चुनौती का सामना करती है ये लड़की। बदनीयत के आगे भी मन साफ है उसका, प्रभु के प्रति असीम भक्ति है उसकी। देख रहे हो ना, वक्त रहते संभल जाओ देव, वरना ऐसी शर्मनाक शिकस्त मिलेगी ना तुम्हें इस लड़की से। तुम कुछ नहीं कर पाओगे प्रभा दी। आप देव कहां से निकालोगे इस लड़की को तुम? इस वक्त सारी प्रकृति उसी की है, क्या करोगे तुम? ना ना प्रभा दी, कि तुम हमारे साथ हो। अब देखना हम सब करके दिखाएंगे। शिव ही सहारा भर।
आसपास हमारा ठौर ठिकाना भी बन गया है। 4 बज गए, खाए हमारा प्रोटीन शेक, हमारा नाश्ता। पूरे 2 मिनट लेट हो तुमको। हम गोमती, हुकुम आपका नाश्ता और प्रोटीन शेक लेके आए हैं। तू कहे? उन्होंने ही नाश्ता भिजवाया है। भिजवाया मतलब? खुद नहीं आ सकती थी वो? कहाँ गई है? मालूम नहीं हुकुम। ठीक है तुम जाओ। एक, 2, 3। अब हमारे मोजे कहाँ हैं? इसके लिए भी आएगा क्या कोई? अब कुहू जी का दूध? मोजे कबड़ में ही है। वो भी तुम यहाँ? और तुमको कैसे मालूम कि मोजे यहाँ पर है? भाभी ने बताया आपको बताने के लिए। वैसे ये तुम्हारी कुहू भाभी है कहाँ? जैसे इस घर के बाकी सेवक बाहर आउट हाउस में सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, तुम भी वहीं रहोगी नौकरों के साथ। वो काम में व्यस्त है। काम कर रही होगी ना, सेवा चाकरी कर रही होगी। दादा मुझे तो वही है जहाँ कुहू भाभी ने कहा था। जी बिल्कुल वही है, तो जाकर ना अपनी कुहू भाभी को हमारी तरफ से धन्यवाद बोल देना कि उन्होंने हमको बता दिया कि मोजे कहाँ रखे। जी बोल दूंगी। अच्छा दादा मैं जाऊँ? जाओ। अच्छा सुनो। जी दादा। एक बात बताओ हमको, ये जो तुम्हारी कुहू भाभी है वो नाराज है क्या हमसे? नाराज? अब इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? दादा आपको मालूम नहीं है क्या, कुहू भाभी ना कभी किसी से नाराज नहीं होती। नाराज नहीं है लेकिन कोस जरूर रही होगी हमको कि कहां अंधेर आचार से शादी हो गया, पूरा जिंदगी फंस गया हमारा। ऐसा नहीं है दादा, एक बात बोलो अगर आप बुरा ना माने तो। बैठो। बोलो। मम्मी पापा को देखा था, कुछ कुछ याद है मुझे। उन दोनों के बीच तो जैसे बिना शब्दों का संबंध था। बिना शब्दों का संबंध? हाँ, पापा बिना कुछ कहे मम्मी से सब कुछ कह जाते थे और मम्मी बिना सुने ही सब समझ जाती थी कि पापा क्या चाहते हैं। आप और कुहू भाभी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद इसलिए कि आप तो उनको अपनी पत्नी मानते ही नहीं। मम्मी पापा एक दूसरे का इतना ख्याल रखते थे, शायद शादी का यही मकसद है। दादा आप किस हक से कुहू भाभी का ख्याल रखेंगे, किस हक से सही या गलत समझोगे उनको? लाइट कैसे बंद हो गई? तेरे प्यार का नशा मेरे सर पे चढ़ा, तेरे प्यार का नशा मेरे सर पे चढ़ा, अब खुल के कदम मेरी ओर बढ़ा, अपने होठों में दबा के गुलाब दे दे। इश्क की रात है पहली मुलाकात है, खुल के रोमांस कर ले, प्यार के पनाहों में लेके अपनी। अंसिनी तुम ये सब? अरे हम तो डांस स्टेप भूल गए। तेरे प्यार का नशा मेरे सर पे चढ़ा।
पागल हो गई हो तुम? ये तुम्हारे अंदर भूत भूत आ गए, ये सब क्या हरकत है? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा, एकदम बकवास लगा। हम तो ये सब आपको रिझाने के लिए कर रहे। फिर शुरू हो गया तुम्हारा ये रिझाना बुझाना। फिर वंश, वही ना, देखो तुम्हें एक बात साफ साफ बता दे, तुम ना हमें बिल्कुल पसंद नहीं, तो नजदीक तो हम तुम्हारे आएंगे नहीं, तो वंश कैसे होगा? कुछ समझ आया? समझ आया? अरे रुके रुके, तो जी हाँ, हम तुमको मुनिया टोला जाकर यहाँ लाने का प्रकरण बेकार लग रहा है हमको। 15 लाख का घाटा हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा कोशिश देखा ना हमने, अरे राउंड के निकल गया वो, नफरत और जिल्लत तुम पर उड़ेल के निकल गया तुम्हारा पति। पर हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बहुत ही भद्दा और वायात कोशिश था, हमने देखा उसका नतीजा, लेकिन तुम नतीजा नहीं देख पा रहे हो। का नतीजा? नतीजा ये कि इस खेल को अब यहीं खत्म करते हैं और तुमको दफा करते हैं। नहीं, नहीं। चलो निकलो यहाँ से। नहीं, नहीं दे बाबा, नहीं। तुम हमारे लिए 15 लाख के नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। दफा हो जाओ, निकलो, चलो नहीं, नहीं, चलो नहीं, नहीं, नहीं। सपना था, सपना था, सपना था। पता नहीं संजीव जी हमारे बारे में अपनी राय बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि हमको इस घर में अपनी जगह पक्की करनी होगी। बंस लाने की दावेदारी में निश्चित होना होगा, और वो तभी होगा जब मुकाबले में खड़ी कुहिया चूहिया इस घर से भाग जाए हमेशा के लिए। वो यहाँ रहे तो हमरे ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। हम ऐसे नहीं जी सकते, ऐसा नहीं होने देंगे। ये वाला कुहू वाला बात, तंकू बोले बाबा, तंकू बोल रहे तुमको अंग्रेजी में, समझ रहे हो? तुम नहीं बोलते हो इंद्रदेव को तो बरस बरस को तो सभी बहा देते। अब बरसिए इंद्रदेव, जितना बरस ना अभी नहीं, थोड़ा रुक के बरसिएगा, तब तक हमारा ये मिट्टी सूख जाए, ईंटा एकदम पक्का दमदार हो जाए। बाबू बोलते थे ना, ईंट हिला तो खतरा। हाँ बोले बाबा, जल्दी जल्दी सिखा दो। हाँ आते हैं, हम देखते रहना। ईंट गिरा तो खतरा, बाबा बोले थे। अभी ईंट हिलेगा भी और एक ईंट और ये घर गिरेगा जैसे ताश का महल। तुम घर तो बना ली हो लेकिन इसमें रह नहीं पाओगी। कहा है कि चंदेल भवन में एक ही बहू का जगह है, एक ही बहू बंस आगे बढ़ाएगी और वो है हम, हंसनी संजीव चंदेल।
अरे आज ये मौसम को क्या हो गया, अम्मे का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लगता है जैसे कुछ गड़बड़ है। नहीं, कुहू कहाँ चली गई? कहाँ हो तुम कुहू? इसका घर नहीं बना अभी तक। पता नहीं, घर तो बन गया था पर ये फिर से ढह क्यों गया? हे भवानी, रोक लो इस अन्याय को। ठीक है प्रभाती, आराम से जाना। देख के तो नहीं लगता है कि प्रकृति और भोले बाबा अब इसका साथ दे रहे हैं। अब तो थोड़ा राहत महसूस हो रहा होगा आपको देव बाबा। हम कहते हैं किस लिहाज से ये लड़की को वंश का जिम्मेदारी दिया जाए, जिससे घर नहीं संभालता वो वंश संभालेगी। हाँ, क्यों देव बाबा? जब बिल्ली दूध पीती है ना तो मूंछों पे मलाई नहीं टिकती। साहस और हिम्मत तुम ही हो भोलेनाथ, बिगड़ी भी तुम ही बनाते हो बाबा। जय हो, तुम्हारी जय हो भोलेनाथ, तुम का मान रखने के लिए। कहाँ चली गई ये लड़की? कुहू, शरीर भीगा हुआ है तुम्हारा। कहां पर रही हो सो अलग? कहां थी तुम? वो हम। क्या वो हम? कहां भटक रही थी? बाहर ही थे। बाहर का मौसम देखा? ऐसे मौसम में तुम बाहर करने क्या गई थी? हमको बारिश में भागना दौड़ना बहुत अच्छा लगता है ना। हम मुनिया टोला में भी ऐसे ही समझोगी तुम? ये मुनिया टोला नहीं है। समझ जाएंगे। कभी सोचा कि अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? आपको नहीं करना पड़ेगा। क्या बोला? वापस बोलो। हाँ, नहीं, नहीं, कुछ नहीं। ये सही है।
दासी के लिए एक और दासी बहाल करना पड़ेगा हमको, तुम्हारी सेवा करने के लिए। अब बाहर कहाँ निकले? अरे तुम्हें ढूंढ, वो हमारे प्रोटीन और नाश्ते का टाइम हो गया था, तुम्हें आवाज लगा रहे थे हम, तू गोमती आ गई हमारे पास और बोलने लगी हुकुम गुरु भाभी ने ना आपके लिए नाश्ता और प्रोटीन शेक भेजा। उसके बाद मोजे नहीं मिल रहे थे हमारे, उसके लिए भी तुमको आवाज दी हमने, तो भूमि दौड़ कर आ गई, बोलती है दादा गुरु भाभी ने कहा है कि आपके मोजे ना ड्रॉअर में रखे हुए, ये अब तुम्हारा सेवा भी हमें किसी और से लेना होगा। धीरे बोलिए, सब जग जाएंगे, हम थोड़ा व्यस्त थे ना। जानते हम बारिश में उछल कूद करने में, भीगने में, अगर तुम्हारा गला खराब हो गया तो, अगर तुम्हारा गला खराब हो गया ना तो गोमती फिर आएगी हमारे पास, हुकुम को भाभी ने बोला है आज हमसे सुन लो भजन। तुमको मजाक सूझ रहा है? हंस रही हो? चलो कहाँ?